Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. ये वही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं जो स्टिंग मास्टर के तौर पर जाने जाते थे. अपने कार्यकर्ताओं को सबको कहते थे कि मोबाइल से जो है वो इनकी रिकॉर्डिंग करो, कोई रिश्वत मांग रहा है, ले रहा है, दे रहा है पैसा, उसका रिकॉर्डिंग करो, कार्रवाई करूंगा. आज इन्हीं के नेता, विधायक के रिश्तेदार, पार्षद सरेआम रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, एक मंत्री ईडी ने पकड़ा, जेल में है, मालिश करवा रहे हैं, सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, शराब नीति में इनकी जो है भ्रष्टाचार पकड़े जाने के डर से सीबीआई की जांच के तुरंत आदेश के बाद शराब नीति वापस ले ली है. तो ये तो स्टिंग मास्टर ने अपने फैलाए जाल में अरविंद केजरीवाल, उनके नेता एक एक करके खुद फंसते चले जा रहे हैं. नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है. रामलीला मैदान में दो ही चीजें तो थी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद. आज भ्रष्टाचार में खुद अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा था वो उतर गया है और बेनकाब हो गए हैं. कोई नैतिकता नहीं है. परिवारवाद के नाम से आए थे चांदनी चौक के जो विधायक हैं, पहले कांग्रेस के विधायक थे, आज केजरीवाल के विधायक, और उनके बेटे को नगर निगम का टिकट मिला है. मटिया महल में आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे को नगर निगम का टिकट मिला है. तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के नाम पर आए थे. और आज जहरीली दिल्ली, यमुना जहरीली आपकी, 35 टुकड़ों में हमारी एक बेटी की लाश जो है वो ढूंढे से नहीं मिल रही, आवाज तक नहीं उठा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अब सिर्फ सत्ता की राजनीति तक सीमित रह गए हैं अरविंद केजरीवाल. कि इंडिया नंबर वन बनाने का नारा है, आज मेरे जैसे दिल्ली पूछ रही है क्या दिल्ली नंबर वन बन गया जो आप इंडिया नंबर वन बनाने जा रहे हैं. तो बात यह, इन चुनावों में जनता ने दोनों पार्टियों के कुशासन को, भ्रष्ट चेहरों को, भ्रष्ट शासन को देखा है. और मुझे पूरी उम्मीद है, जो पिछले एक दशक से कांग्रेस कहीं सत्ता में नहीं है, लेकिन 15 साल की शीला दीक्षित जी की हरी भरी आबाद दिल्ली को जो मिलकर इन दोनों ने बर्बाद किया है, आज एक उम्मीद लगाकर कांग्रेस की तरफ वापस लौटेंगे, मेरा विश्वास है.